दो महीने पहले टूनी अपने खेतों में इस बार संतरे की खेती कर रही थी, जिसके लिए टूनी रोज इन खेतों का हमेशा ध्यान रखती थी। ओहो, मेरे नन्हे नन्हे पौधे, बस कुछ दिनों में ही इस सारे पौधों में बड़े बड़े संतरे फलने लगेंगे। पर इन पौधों में ये छोटे छोटे कीड़े कहाँ से आ जाते हैं? इन कीड़ों को भगाना होगा। कुछ महीनों बाद अरे कुकू, तुझे पता है हमारे रामपुर के जंगल वाले खेतों में किसी ने संतरे की खेती की है, मुझे भी देखना है। वाह, ये कितने रसीले दिख रहे हैं, मेरा मन तो दूर से ही ललचाने लगा। कुकू चल चलते हैं संतरे के खेत में, तू एक बड़ी सी टोकरी पकड़ ले। कुकू और रानी उस खेत का आधे से ज्यादा संतरा तोड़ लेती है और कुछ ही देर में कालू कौवा भी वहाँ आ जाता है। अरे रे, तुम दोनों बहनों को और कुछ काम होता है या नहीं? ये संतरे अभी टोकरी से निकाल कर मुझे दो, ये खेत मेरा है, यहाँ का एक भी संतरा मैं किसी को खाने नहीं देने वाला। बाप रे बाप, हम तो दोनों बहनें तुम्हारी मदद कर रहे थे, हमें पहले से ही पता था कि ये खेत तुम्हारा है और इसी कारण से हम तुम्हारी फसल बर्बाद होते नहीं देख सकते। तो फिर एक काम करो, तुम दोनों बहनें सारे संतरे तोड़कर इस बड़े बड़े टोकरी में रखो और इसके बदले मैं तुम्हें 10-10 संतरे दूंगा। नेकी और पूछ। रानी और कुकू उस खेत के सारे संतरे तोड़कर बड़े बड़े टोकरी में डालने लगती है और फिर कुछ समय बाद ये लो तुम दोनों के 10-10 संतरे, अब तुम जा सकती हो। हे भगवान, मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो गई, मेरे खेतों के सारे संतरे गायब हो गए। टूनी, इस खेत के सारे संतरे गायब नहीं हुए हैं, इन्हें यहाँ से गायब करवाए गए हैं। हाँ टूनी, ये देखो जमीन में बड़े बड़े टोकरियों के निशान पड़े हैं। मैंने ऐसी टोकरी कुकू और रानी के घर पर देखे थे, चलो उनके घर जाना होगा। अच्छा कुकू और रानी, तुम दोनों को शर्म नहीं आती? टूनी के खेतों से संतरे चुरा कर तुम दोनों घर में मजे से संतरे खा रही हो। बाप रे बाप, ये संतरे हम दोनों के हैं और इसे हमने अपनी मेहनत से कमाई है। चोरी भी और सीना चोरी भी, वाह तुम दोनों का जवाब नहीं। कुकू और रानी, मैं तुम दोनों को साफ साफ कह देती हूँ, मेरे खेतों के सारे संतरे मुझे वापस कर दो, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। टूनी, ये सारे संतरे हमने कालू कौवे से लेकर आए हैं। कुकू और रानी टूनी को कालू कौवे वाली सारी बातें बता देती है। वो खेत मेरा था और वहाँ की सारी फसलें मैंने खुद अपने हाथों से की है, तुमने ऐसी चालाकी दिखाकर हमारे जंगलों की परंपरा तोड़ी है। हाँ, इसलिए तुम्हें अभी 2 महीने इस जेल में रहना होगा, ताकि तुम्हें पता चले कि संतरे की खेती कितनी मुश्किल से होती है। रामपुर के जंगल में टूनी एक सुबह अपने खेतों में आम के पौधे लगा रही थी, तभी वहाँ मंटू आता है और पूछने लगता है। अरे टूनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आखिर इतनी मेहनत किस पौधे को लगाने के लिए कर रही हो? जरा मुझे भी तो बताओ। मंटू, ये सारे पौधे आम के हैं, कुछ महीनों बाद यह पौधे बड़े हो जाएंगे और गर्मियों का मौसम भी आ जाएगा, तब तक इन पौधों से आम फलने लगेंगे। अरे टूनी, मुझे तो पता नहीं था कि गर्मियों का मौसम इतने पास आने लगा, क्या मैं इन पौधों को लगाने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं मंटू। टूनी और मंटू दोनों आम के पौधे लगाने लगे। टूनी हमेशा अपने खेतों की देखभाल में लगी रहती थी, समय समय पर उन पौधों में पानी दिया करती थी और 2 महीने बाद आम के पौधे पेड़ों में बदल चुके थे,
तभी एक दिन वहाँ टीकू आता है। बाबा रे बाबा, गर्मियों का मौसम ठीक से आया भी नहीं है और इस जंगल के सारे आम फलने लगे। देखो तो कितने मस्त दिख रहे हैं। ये सारी बातें मुझे टूनी और मंटू को बतानी चाहिए। टीकू उन पौधों के बारे में बताता है कि इस जंगल में बड़े बड़े आम के पेड़ लगे हैं, जिन पर अब हरे हरे आम फले हुए हैं। तभी मंटू कहने लगता है कि वह सारे आम टूनी के खेतों की है। वो बताता है कि वह सारे आम के पेड़ कुछ महीनों पहले खुद टूनी और मंटू ने लगाए हैं। अच्छा, तो तुम दोनों ने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई? मैं भी इन पौधों को अपने खेतों में लगाता और बड़े मजे से साल भर आम खाता। टूनी और मंटू एक दिन अपने खेतों में आम के पेड़ों को देखने जाती हैं। तभी उसे नजर आता है कि सारे आम उन पेड़ों से गायब हो चुके हैं। वह यह सब देखकर हैरान हो जाती हैं और मंटू को कहने लगती हैं। अरे मंटू, मेरे सारे आम के पेड़ों से आम कहाँ गायब हो गए? अब मैं क्या करूँ? मेरे खेतों के आम के पेड़ों में ढेर सारे आम फले होंगे। मैंने एक दिन भी इन पेड़ों के एक भी आम नहीं खाए थे। मैंने सोचा था कि इन फलों को पकने के बाद हम सारे पक्षियों को बांटकर एक साथ खाएंगे, पर अब यह क्या हो गया और कौन इतने आम को लेकर गया होगा? टोनी, मुझे भी नहीं पता कि इन आम को कौन लेकर गया होगा, पर एक बात है, टीकू तुम्हारे खेतों में बीच बीच में अकेले ही आया करता था। मैंने उसे यहाँ कई बार देखा था। मुझे तो लगता है कि इनामों को वही लेकर गया होगा। टूनी और मंटू टीकू के घोंसले पर पहुँचते हैं। वो देखते हैं कि टीकू वहाँ पर है ही नहीं, पर उसके घोंसले में एक बड़ी सी टोकरी होती है जिसमें ढेर सारा पका हुआ आम होता है। तभी टूनी ये सब देखकर रोने लगती है। टीकू ये सारे आम मुझसे पूछ कर लाता तो मैं शायद आम उसे दे देती, पर उसने मेरे साथ धोखा किया है। टीकू, तुमने टूनी के साथ धोखा किया है। तुमने टूनी के खेतों से ये सारे आम चुरा कर बहुत गलत किया। नहीं, ये आम मैंने नहीं चुराए। मैंने तो इन आमों को कुकू और रानी के घोंसले से लेकर आया हूँ। मेरी बातों पे तुम्हें यकीन न हो तो तुम दोनों खुद कुकू और रानी से पूछ सकते हो। बाप रे बाप, हमें क्या पता था कि वो बड़ा सा खेत जिसमें हजारों आम फले हैं, वो टूनी के खेतों की है। अगर ये बात हमें पता होती तो हम ऐसी गलती नहीं करते। अच्छा, तुम दोनों बहने हर बार कोई गड़बड़ करते हो और नतीजा मुझे भुगतना पड़ता है। कोई नहीं टीकू, हमें माफ कर दो। चलो इन पके हुए आमों को हम सब पक्षियों को बांट कर खाएं। हाँ हाँ, चलो। बड़ा मजा आया, मैंने आम जो खाया।